नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल में। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं भोजपुरी के सुपरस्टार से जुड़ी तमाम खबरें, और उनमें से पहली खबर ये है कि भोजपुरी में लोग कहते हैं बदलाव नहीं हुआ है, बदलाव नहीं हुआ है। जनाब, अब एल्बम भी हेलीकॉप्टर से शूट होने लगे हैं, तो अब कौन सा बदलाव चाहिए। ये बदलाव लेकर आए हैं सुधीर संग्राम यादव, जिन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अपने एक एल्बम की शूटिंग की है पागलपन, जिसमें इन्होंने हेलीकॉप्टर का सहारा लिया है, जिस शूटिंग को देखने के लिए तमाम भीड़ इकट्ठा हुई। जानकारी के लिए बता दें कि सुधीर संग्राम यादव पहले भी दर्द भरे गीत, इमोशनल गीत, प्यार भरे गीत लेकर लोगों के सामने आए, जिन्हें लोगों ने पसंद किया। लोगों से मिले इसे प्यार को पाकर सुधीर संग्राम यादव ने फैसला किया कुछ बड़ा करने का, और उन्होंने सीधे हेलीकॉप्टर और चॉपर के साथ ही एल्बम शूट करने का सोचा है। तो शूटिंग हो चुकी है, उम्मीद है जल्द ही आप लोगों के बीच में गाना भी आएगा। लेकिन फिलहाल आप इसी खास खबर से जुड़ी एक जानकारी के लिए हम आपके लिए रिपोर्ट लेकर आए हैं, देखिए। भोजपुरी सिंगर सुधीर संगम सिंह ऐसे गायक हैं जिन्होंने 1.5 साल में कई गाने गाए और वो गाने सुपरहिट हुए, जिस पर दर्शकों का अथाह प्यार मिला, और इसी प्यार को लेकर संगम की हिम्मत बढ़ी और उन्होंने बना दिया है एक अनोखा रिकॉर्ड, क्योंकि भोजपुरी में पहली बार किसी एल्बम में चॉपर का इस्तेमाल किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि कुछ समय पहले ही सुधीर सिंह ने पागलपन का एक वीडियो सॉन्ग टेलीफिल्म से रिलीज किया था, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया, और अब इसी का दूसरा पार्ट सुधीर अपने फैंस के बीच लेकर आने वाले हैं। ये शूटिंग बीते दिन पहले उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में की गई, जहां सुधीर को शूटिंग करने के लिए हेलीकॉप्टर के अरेंजमेंट के साथ साथ DM से परमिशन भी लेनी पड़ी। शूटिंग के समय हेलीकॉप्टर को देखने कई लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जो शूटिंग में बाधा पहुंचा रही थी, जिसे कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी का सहारा भी लिया गया। सुधीर संग्राम यादव सिंगर तो अच्छे हैं ही, लेकिन इनकी इंडस्ट्री के स्टारों के साथ भी खूब बनती है। इनकी तमाम तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी, कभी खेसारी के साथ, कभी कल्लू के साथ, कभी निरहुआ के साथ। खैर, बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर जो खेसारी से जुड़ी हुई है। खेसारी ने बीते दिन पहले सिवान में स्टेज शो दिया, जहाँ हमेशा की तरह हंगामा होता है खेसारी के स्टेज शो में। हम कोई नई बात नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी हम बार बार इस चीज़ को इसलिए उठाते हैं ताकि ये हंगामे स्टेज शो में होना कम हो। और साथ ही खेसारी ने काजल को लेकर कई सारी बातें की अपने स्टेज शो में, और अपनी फिल्म को लेकर कई सारी बातें बताई। मतलब पूरे स्टेज शो में घुमा फिरा के खेसारी बार बार काजल पर आते, कभी किसी गाने का सहारा लेकर, कभी काजल की किसी बातों को लेकर, और उनके साथ उनके जो राइटर हैं पवन पांडे वो भी नज़र आए। दोनों भाइयों ने मिलकर खूब मस्ती मजाक किया स्टेज शो में। उनके एक फ़ैन ने खेसारी को फोटो फ्रेम हाथ से बना कर दिया, खेसारी बहुत खुश हुए। इसकी वीडियो आप लोग देख ही चुके होंगे यूट्यूब पर, लेकिन फिलहाल आप लोग देखिए खेसारी के सिवान वाले स्टेज शो से जुड़ी ये खास खबर, देखिए। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने बीते दिन पहले सिवान में एक स्टेज शो किया है, जिसकी जानकारी हम पहले भी आपको दे चुके थे। इस स्टेज शो में दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिली थी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में सिवान में जो स्टेज शो हुआ है, उसमें फिर से हंगामा होता हुआ नजर आया। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खेसारी के स्टेज शो में जमकर हंगामा हुआ। लोग स्टेज पर चढ़ने के लिए साउंड ट्रैक से छेड़छाड़ करने लगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोगों की हरकत से खेसारी भी खासा नाराज दिखाई दिए, और उन्होंने कहा कि अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खेसारी के साथ स्टेज पर काफी सारी पुलिस निगरानी के लिए खड़ी थी, क्योंकि सभी को इस बात का पहले से अंदाजा था कि हंगामा तो होना ही है, इसलिए ऑर्गेनाइजर्स द्वारा पहले से ही पुलिस फोर्स का इंतजाम किया गया था। भोजपुरी का सुपरस्टार, भोजपुरी का पावर स्टार, और भोजपुरी का शहंशाह कहा जाता है पवन सिंह को। हमेशा उनको नए नए नाम इंडस्ट्री की तरफ से मिलते रहे हैं, लेकिन अगर सोचिए उनके नाम के साथ ही उनका जो आगे लगाते हैं नाम के आगे, लाइक पावर स्टार, शहंशाह, अगर वो किसी और के नाम को के साथ संबोधन करने लगे तो थोड़ा सा तो मन में ज़रूर लगता होगा। और अब पावर स्टार बन चुके हैं इंडस्ट्री के संजीव मिश्रा, जो इन दिनों बद्रीनाथ की शूटिंग कर रहे हैं। इनकी बद्रीनाथ की शूटिंग भी काफ़ी चर्चाओं में है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है लीक से हटकर फिल्म बनाई जा रही है, बॉलीवुड की तरह ही फिल्म होगी। हालांकि बद्रीनाथ की दुल्हनिया से इस फिल्म की कहानी नहीं मिलती, लेकिन स्टाइल में कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट में और जो शूटिंग होती है, शूटिंग का स्टाइल है, एडिटिंग का जो स्टाइल है, टेक्नीशियन का जो अंदाज है, वो सब बॉलीवुड से लिया गया है। तो संजीव मिश्रा भी एक्टर तो हैं ही, उसके साथ ही मल्टी टैलेंटेड हैं, कई सारे काम करते हैं, मल्टी टास्किंग है, सेट पर हमेशा बिजी रहते हैं, एक्टिंग तो कभी, एडिटिंग तो कभी, कुछ करते हुए नज़र आते हैं। और प्रियंका पंडित और ऋतु के साथ इनकी तस्वीर भी आप लोगों को देखने को मिली होगी। वैसे बद्रीनाथ में और भी कई सारी हीरोइनें हैं, तो हम इन्हीं पावर स्टार संजीव मिश्रा से जुड़ी एक खास खबर आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं, देखिए। भोजपुरी सिनेमा में पावर स्टार के नाम से जाने जाने वाले अभिनेता संजीव मिश्रा इन दिनों भोजपुरी फिल्म बद्रीनाथ की शूटिंग में व्यस्त हैं। ये फिल्म संजीव मिश्रा की अब तक की आई सारी फिल्मों से अलग है, ये दावा वो खुद भी कर चुके हैं। शायद यही वजह है कि गुजरात के सिलवासा में फिल्म बद्रीनाथ की शूटिंग के दौरान वो काफी मेहनत करते दिखाई दिए। हालांकि इस फिल्म के लगभग आधे से अधिक हिस्से की शूटिंग भी हो चुकी है, बावजूद इसके संजीव सेट पर खुद को काफी व्यस्त रख रहे हैं। उनका मानना है कि किसी काम को सही ढंग से करने के लिए उसमें डूबना पड़ता है। फिल्म बद्रीनाथ में संजीव के अपोजिट भोजपुरी सिनेमा जगत की फिटनेस क्वीन गार्गी पंडित और निधि झा नजर आने वाले हैं। बद्रीनाथ के सेट से खबर है कि दोनों की केमिस्ट्री काफी जच रही है और ये स्क्रीन पर और भी खूबसूरत दिखने वाली है। तो वहीं फिल्म को लेकर गार्गी भी काफी एक्साइटेड हैं और कहती हैं कि फिल्म बद्रीनाथ का कॉन्सेप्ट काफी इम्प्रेसिव है, इसके सीक्वेंसेस इतने पावरफुल होने वाले हैं जो काफी आकर्षक होगा। तो वहीं फिल्म के निर्देशक धीरू यादव का कहना है कि फिल्म के लिए सभी कलाकार बहुत मेहनत कर रहे हैं। हालांकि बद्रीनाथ के सेट पर कई नए लोग हैं, लेकिन सभी अपने काम के प्रति समर्पित हैं, इस वजह से हमारी शूटिंग और भी आसान हो गई। खासकर संजीव और प्रियंका अपने काम को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। उन्होंने फिल्म के बारे में कहा है कि बद्रीनाथ नए जमाने की प्रेम कहानी है, इसमें दर्शकों को खूब मजा आने वाला है। जहाँ डमरू फिल्म फेमस हुई है अपनी कहानी को लेकर, अपने अलग अंदाज को लेकर, अपने अलग कॉन्सेप्ट को लेकर, तो वहीं इस फिल्म की हीरोइन यशिका भी फेमस हुई है अपनी खूबसूरती को लेकर। यशिका के बारे में काफ़ी सारी बातें हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कितनी कम उम्र में भी इनकी किस्मत कितनी अच्छी है, खेसारी के साथ काम करने के बाद इन्हें अब बॉलीवुड फिल्म भी मिल चुकी है। लेकिन खेसारी के रील पापा ने आके डमरू फिल्म के बारे में कुछ कहा है, रील पापा, रियल नहीं, यशिका के रील पापा ने फिल्म के बारे में कुछ कहा है जो खुद इस फिल्म के कलाकार हैं, लेकिन क्या कहा है और क्या है इनका नाम, देखिए। डमरू भोजपुरी फिल्म 6 अप्रैल से देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी, मगर इससे पहले फिल्म के अभिनेता पदम सिंह ने दावा किया है कि ये फिल्म भोजपुरी सिनेमा को पवित्र कर देगी। उनका मानना है कि ये फिल्म उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो भोजपुरी फिल्मों में कन्नी काटते हैं। इस फिल्म में गुरु शिष्य परम्परा के साथ भोजपुरिया समाज और संस्कृति का बेहतर सामंजस्य देखने को मिलेगा। बता दें कि फिल्म डमरू में पदम सिंह फिल्म की लीड अभिनेत्री यशिका कपूर के पिता के किरदार में नजर आ रहे हैं, जिनकी शख्सियत एक दबंग जमींदार की है। अपहरण, चक द इंडिया, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह जैसी फिल्मों में ये नजर आ चुके हैं। अभिनेता पदम सिंह की माने तो युवा निर्देशक रजनीश मिश्रा और प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा ने भी मिलकर भोजपुरी फिल्म डमरू जैसी शानदार फिल्म बनाई है। उन्होंने हिंदी और भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि दोनों इंडस्ट्री काफी अलग है और दोनों का अपना महत्व है, और जहां तक डमरू की बात है तो ये भी किसी हिंदी फिल्म से कम नहीं। भोजपुरी में अगर मार्केटिंग की बात की जाए, लोकप्रियता की बात की जाए, तो निरहुआ का नाम इन दिनों सबसे ज़्यादा चलन में है। उनके प्रोडक्शन हाउस से बनी फिल्में सुपरहिट हमेशा रही हैं। उनके प्रोडक्शन हाउस से और उनके साथ काम करने वाले लोगों को कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, क्योंकि पिछले साल ही राम लखन फिल्म उनके प्रोडक्शन हाउस से बनाई गई थी, जो लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय रही, लोगों को बहुत पसंद आई थी। इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी देखने के लिए दर्शकों ने डिमांड किया था। हालांकि इस फिल्म का दूसरा पार्ट ना बना हो, लेकिन दूसरे पार्ट जैसी फीलिंग आई जब प्रवेश लाल यादव, सुभि शर्मा, आम्रपाली और निरहुआ चारों एक साथ एक तस्वीर में दिखाई दिए, निरहुआ चलल अमेरिका के सेट पर। जी हाँ, इन दिनों शूटिंग चल रही है छत्तीसगढ़ में निरहुआ चलल अमेरिका की, जहाँ ये चारों स्टार एक साथ फिर से इकट्ठा हुए हैं, और देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि इन लोगों के मन ही मन में ये प्लानिंग ज़रूर चल रही होगी कि अब हम राम लखन पार्ट 2 बनाएंगे। तो कब बनाएंगे और रिलीज होगी कि नहीं, वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल चारों की यानी दोनों जोड़ियों पर एक खास खबर हम आपके लिए ले आए हैं, देखिए।
भोजपुरी के जुबली स्टार निरहुआ के प्रोडक्शन हाउस से बनी सारी फिल्में इंडस्ट्री में अच्छी कमाई करती हैं, अच्छा नाम करती हैं। ये बात तो आप लोगों को पता ही होगी, क्योंकि इस प्रोडक्शन हाउस से बनने वाली फिल्मों में जहां निरहुआ जैसे हीरो होते हैं, तो वहीं उस प्रोडक्शन हाउस को संभालने वाले प्रवेश लाल यादव जैसे निर्माता हैं। इसका एक उदाहरण आपको तब भी देखने को जरूर मिला होगा जब निरहुआ की फिल्म राम लखन निरहुआ के प्रोडक्शन हाउस से बनकर रिलीज हुई और लोगों ने उस फिल्म को इतना प्यार दिया था कि अवार्ड फंक्शन में निरहुआ को इस फिल्म के लिए कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में प्रवेश लाल यादव, सुभि शर्मा और निरहुआ आम्रपाली यानी एक फिल्म में ही दो भाइयों की जोड़ी नजर आई थी, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया था और दूसरे पार्ट की डिमांड भी की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेशक से इस फिल्म का दूसरा पार्ट ना बना हो, लेकिन ये दोनों जोड़ियां हाल ही में एक साथ नजर आई हैं निरहुआ चलल अमेरिका के सेट पर छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, प्रवेश और सुभि शर्मा के साथ निरहुआ आम्रपाली भी देखने को मिले। चारों एक साथ खड़े हो रहे थे, जिसको देखकर ऐसा लगा कि बहुत जल्द राम लखन पार्ट 2 भी देखने को मिल ही जाएगी। तो ये थी आज के सुपरस्टार से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरें। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही सुपरस्टार से जुड़ी तमाम खबरों के साथ। तो चलने का समय हो चुका है, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।